बात कर रहा हूँ ये सब तो सबसे पहली बात पहली बार तो ये उसके बाद बात आ रही थी 2,85,00,000 रुपए की। तो मैं आपको बताऊं कि जब लोगों का ये प्यार ये सम्मान और ये समर्पण साथ में मिलता है तो ऐसा लगता है कि 2,85,00,000 रुपए तो कुछ नहीं। पैसा तो दुनिया कमा लेती है कैसे भी कमा लेती है, लेकिन मुद्दा इस बात का है कि आज मैं जिन लोगों के साथ में यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, मतलब सभी लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं, बहुत साथ में हैं, जिनके सहयोग रहा है, जिनकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ। अगर मैं इस बात को बोलूँ तो मैं यही कह सकता हूँ कि मैं कुछ नहीं हूँ, आप सभी हो तो मेरा नाम कुछ है। मैं जिस रैंक पे हूँ और जो भी एक नया रैंक 16वां रैंक रॉयल एम्बेसडर का है उसमें सबसे बड़ा रोल आप लोगों का है, और उस आदमी का भी बहुत बड़ा रोल है जिसने हमारी कंपनी में मेरी टीम के अंदर मात्र 27 SP की भी आईडी लगाई है। क्योंकि अगर वो 27 SP की आईडी नहीं लगाता तो मेरा ये लेवल होने में 27 SP माइनस रहता। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी एम्बेसडर या डायमंड या क्राउन डायमंड या स्टार सफायर या सफायर का ही रोल है, सभी का साथ है, लेकिन उस आदमी का भी सबसे बड़ा साथ है मेरे साथ, जिसका मात्र 27 SP और 52 SP से आईडी मेरी टीम में लगी है। और उसका सबसे बड़ा साथ क्यों है कि हमारे साथ में जितने भी लीडर्स हैं इन सब का कोई ना कोई चेक बन चुका है, लेकिन उस आदमी का जिसके 27 SP 52 SP और 100 SP से अभी आईडी ग्रीन हुई है इसका अभी तक भी कोई चेक नहीं बना है। उसका सिर्फ हमारी सक्सेस के अंदर योगदान है, उसका अपना कोई चेक नहीं बना है। तो मेरी तरफ से उन सभी को भी बहुत 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 धन्यवाद, और मैं यकीन दिलाता हूँ विश्वास दिलाता हूँ कि ये वही कंपनी है असली बेस्ट वेलनेस जो आज से कुछ समय पहले मैंने ज्वाइन की थी, वही प्रोडक्ट है जो हमने ही लिए थे, वही कंपनी की वेबसाइट है जहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ था, और हमारे बाद में जितने लोग आए और अब आ रहे हैं और आएंगे उन सब का भी सेम वेबसाइट सेम कंपनी सेम प्रोडक्ट बढ़ गए हैं, सेम प्लान और सारी चीजें सेम होने के बाद वही रजिस्ट्रेशन हो रहा है। मैं ये कह सकता हूँ कि जब मैं बन सकता हूँ, कुणाल सर बन सकते हैं, नसीब सर बन सकते हैं, मदन साहब बन सकते हैं, तो असली बेस्ट वेलनेस के अंदर फॉरम साइन अप करने वाला कोई भी एक आदमी किसी भी लेवल पे जा सकता है और जाएगा, ये मेरा विश्वास नहीं है, मेरा यकीन है, 100% में गारंटी देता हूं। दोस्तों सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि जिस दिन मेरा 28 तारीख की बात है ना, 28 तारीख को जब रैंक हुआ था महावीर जी का फोन आया, महेंद्र जी का फोन आया, भगवान सिंह जी का फोन आया, कृष्ण जी का फोन आया, मनोज जी का फोन आया और बहुत सारे लीडर्स का फोन आया, शुक्ला जी का फोन आया, खान साहब से बात हुई, कुणाल सर मेरे साथ में ही थे, तो महेंद्र जी ने बोला सर हम गाड़ी में बैठ लिए हैं, गाड़ी में सामान पैक हो रहा है और हम आपका केक काटने के लिए केक खरीद लिया है और हम जिम कॉर्बेट पहुंच रहे हैं। मैं सच बताऊं मेरे पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं थे और मैं अपने आप ही सोच रहा कि यार अभी अकाउंट के अंदर पैसा तो क्रेडिट नहीं हुआ, लेकिन जो ये अपनापन क्रेडिट हो गया इसको मैं जिंदगी में कैसे चुका पाऊंगा। इस तो मैंने भरे मन से बड़ी रिक्वेस्ट की उनसे कि सर प्लीज आप मत आइएगा, क्योंकि अगर आप आएंगे तो आपको 12 घंटे आने में लगेंगे, 12 घंटे जाने में लगेंगे, उसके 5 दिन के बाद आपके SOS भी है, आपके लोगों को ट्रेनिंग में भी लेके आना है, अगर आप दिल्ली होते तो मैं मना नहीं करता। तो मैंने बड़ी मुश्किल से, मैं ही जानता हूं, आधा घंटे काउंसलिंग करके कैसे उनको रुकने के लिए रोक भी नहीं है। इस बात को मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि लोगों को हम मीटिंग्स में ट्रेनिंग में प्लान के लिए बुलाने के लिए काउंसलिंग करते हैं और यहाँ पे मैं रोकने के लिए काउंसलिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे बात यह है। उसके बाद भगवान सिंह जी से बात हुई, तो कृष्ण जी से बात हुई, महावीर जी से दोबारा बात हुई, बोला सर हम चल दिए हैं, बस तैयारी है और हम चलने ही वाले हैं। मैं सोचा सबको कन्विंस करूंगा आधा आधा घंटे, इससे अच्छा मैंने सबसे अच्छा एक तरीका निकाला, मैंने कहा महेंद्र जी से आप बात कर लो, मेरी उनसे बात हो गई है। तो उन्होंने कैसे कन्विंस किया होगा वो ही जानते होंगे, लेकिन किया सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने उस टाइम आने की इच्छा जाहिर की क्योंकि जयपुर टीम के साथ है, वैसे सारी टीमों के साथ ही है लेकिन जयपुर टीम के साथ कुछ संयोग बन जाते हैं। जब मैं क्राउन डायमंड बना था
उसके 4 घंटे के बाद मैं जयपुर में था और उस टाइम महेंद्र जी मर्सिडीज ले रहे थे और इनकी मर्सिडीज की डिलीवरी 1 बजे थी और मेरा इंतजार करते करते ये पूरी जयपुर टीम मर्सिडीज शोरूम के आगे 5 घंटे लगातार इंतजार करते रहे। 5 घंटे के बाद शाम को 6 बजे जब मैं जयपुर पहुंचा उसके बाद मर्सिडीज की डिलीवरी हुई थी। शायद आपके बेटे का बर्थडे भी था उस दिन तो उसका केक भी 6 घंटे वेट करने के बाद। उसके बाद जब मैं मिनिस्टर बना उसके बाद भी कुछ ऐसा शो था कि मेरा पहला शो अगले 2 या 3 दिन के बाद मुझे जयपुर ही था। उसके बाद हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग की सबसे छोटी गाड़ी मैंने ली। मेरे टीम में देखिए बहुत सारे लोगों में बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, किसी के पास जैगवार है, किसी के पास ओडी है, किसी के पास एंडेवर है, किसी के पास फॉर्च्यूनर है, किसी के पास मर्सिडीज है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। लेकिन मेरे पास एक छोटी सी गाड़ी ले पाया, मैं ज्यादा नहीं ले पाया और भगवान ने इसी लायक बनाया कि छोटी सी ले लूं। तो मैंने एक छोटी सी गाड़ी ली जिसमें 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं और मैं जयपुर गया। तो मेरी उस गाड़ी से मैंने पहला शो जयपुर के आई थिंक दीप समट्टी में ही किया था। तो ये कह सकता हूँ कि पता नहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या कैसे भी बोले, अपने आप कुछ कनेक्शन ऊपर वाले के माध्यम से बन जाते हैं। तो आप सबका सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपका साथ और प्यार है जिसकी वजह से सिर्फ मेरा नाम है, बाकी सब कुछ तो आपकी मेहनत ही है। मेरा तो सिर्फ नाम ही नाम है, क्योंकि जब ऐसे ही है जैसे कोई मूवी हिट होती है तो हम बोलते हैं ये हीरो बड़ा अच्छा है, ये हीरोइन की एक्टिंग बहुत अच्छी है, लेकिन उस हीरो का सिर्फ नाम होता है उस मूवी को हिट कराने में। बैक सपोर्ट अनगिनत लोग हैं जिनका रहता है, अगर उनका सपोर्ट नहीं रहेगा तो वो हीरो कभी जिंदगी में हीरो बन ही नहीं पाएगा। म्यूजिक वाले का भी है, एडिटिंग वाले का भी है, डायरेक्टर का भी है, प्रोड्यूसर का भी है, इसी तरीके से बहुत सारे हिडन सपोर्ट रहते हैं जिनकी वजह से वो मूवी हिट होती है और एक आदमी का नाम बड़ा होता है। तो मेरी इस पिक्चर में भी बहुत सारे हिडन और सामने से बहुत सारे लीडर हैं जिनका सबसे ज़्यादा योगदान है। सिर्फ मैं तो एक नाम नाम के साथ हूँ और कुछ नहीं है, मैं आपको रियली बता दूँ। और दोस्तों खुशी है बड़ी अच्छी कि आज मैं पिछले तकरीबन 10 दिन के आसपास का टाइम हो गया होगा, 10 दिन से लगातार जिस भी ट्रेनिंग में जा रहा हूँ वहाँ पे केक ही केक काट रहे हैं और मुझे केक खाने का भी मौका मिल रहा है और खिलाने का भी मौका मिल रहा है। मैंने पिछले 10 दिन में जितना केक खाया है आज तक मेरी पूरी जिंदगी में नहीं खाया, जितना केक मैंने अपने हाथों से पिछले 10 दिन में खिलाया है उतना मैंने पूरी जिंदगी में नहीं खिलाया। और उसके अलावा यहाँ पे एसोस के अंदर हूँ मैं, जिम कॉर्बेट में, यहाँ बड़ा अच्छा माहौल है। और बोलते ना कुछ चीजें जब बड़ी होती हैं तो कुछ और चीजें उसके साथ ऑटोमेटिकली हो जाती है। मैं रॉयल एम्बेसडर क्या बना, कंपनी में फटाफट रॉयल ही रॉयल होने लग गया। जैसे ही मैं रॉयल एम्बेसडर बना 2-3 दिन के बाद में विकास बोरा जी रॉयल डायमंड बन गए। उनको रॉयल डायमंड की बधाइयां देना लोगों ने बंद किया भी नहीं था कि आज सुबह सुबह आपने पोस्ट देखा होगा हिंदुस्तान के अंदर एक इतिहास बना है कि अभी तक लोग बोलते थे कि जेंट्स कर सकता है, लेडीज कर सकता है, कोई कर सकता है कोई नहीं कर सकता, या किस सिचुएशन में किया जा सकता है किस सिचुएशन में नहीं किया जा सकता। आज हिंदुस्तान में पूरी असली बेस वेलनेस के अंदर सबसे पहला रॉयल डायमंड बनने का रिकॉर्ड नम्रता मैम को जाता है, उनके लिए मैं चाहूंगा कि आप जहां भी मुझे सुन भी रहे हैं वो सारे जरूर तालियां बजाएं, क्योंकि वो सब हमारे असली बेस वेलनेस के जितने भी फाइटर्स हैं और हम सब लोगों के एक उम्मीद है और एक सपना है, ड्रीम जगाने का काम है कि जब नम्रता मैडम बन सकते हैं तो कोई भी बन सकता है। मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि जवान ही बन सकता है या बूढ़ा बन सकता है या जेंट्स बन सकता है या लेडीज बन सकती है, कोई भी बन सकता है दोस्त। ये उम्मीद आज आपने, कल वुमेंस डे है 8 तारीख को और आज ही उनका रॉयल डायमंड रैंक हुआ है, तो इस बार क्या ना रॉयल ही रॉयल हो रहा है। और मुझे लगता है कि हम लोगों ने, ऊपर वाले ने भी इस महीने को बुक कर दिया है, इस महीने जिसके रैंक के पीछे रॉयल लगा हुआ है सिर्फ उसी का रैंक करवाया जाएगा। और बड़ा मजा आ रहा है। मैं आपको एक चीज और बताऊं, आपने जब लाइव हमने शुरू किया था तो यहाँ कुछ फोटो देखी होगी जिसमें हम लोगों ने आज क्रिकेट खेला और मैंने भी जिंदगी में पहली बार क्रिकेट खेला और मैंने तकरीबन कैसे रन बनते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन तकरीबन मुझे ऐसा पता चला कि कितने रन बनाए, 150 से ऊपर बना, 150 से ऊपर रन बना। और
जिंदगी में आदमी कुछ भी बन जाए, कितना भी बड़ा बन जाए, उसको एक काम हमेशा करना चाहिए, उसको सीखते रहना चाहिए। तो आज मैंने क्या क्या सीखा मैं आपको बता देता हूँ, और आपको भी एक ही काम करना है, डेली रात को सोने से पहले अपनी डायरी में लिखना है आज मैंने नया क्या क्या सीखा। तो मैंने आज ये सीखा कि जो बैट के ऊपर जो मारता है उसको क्या बोलते हैं, बैट्समैन, और जो वो गेंद फेंकता है उसको बॉलर बोलते हैं, उसके बाद पीछे जो पकड़ता है उसको क्या बोलते हैं, विकेट कीपर, और जो चारों साइड में होते हैं वो फील्डर। और देखिए कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मैंने रियली आज तक क्रिकेट ना देखा है और ना खेला है। आपका सवाल अगर ये है कि मैंने क्यों नहीं देखा, तो उसका सवाल ये है कि मैं चाहता हूं कि मेरा टाइम दूसरे लोगों को टीवी में देखने में व्यतीत ना करो। और मैं अगर दूसरे लोगों को टाइम टीवी में देखने में व्यतीत करूंगा तो वो दिन मेरी जिंदगी में कभी नहीं आएगा कि लोग मुझे टीवी में देखें। और आपको भी अगर लोग टीवी में देखें इसलिए दूसरों को टीवी में देखना बंद करना पड़ेगा। ये मैं, मुझे रियली नहीं पता कि क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि और ना मैंने कोशिश की और ना मैं कोशिश करना चाहता। और हम लोगों ने, मेरे से जब रन नहीं बन रहे थे तो एक नया नियम बनाया आज कि जो भी बॉल को कैच करेगा वो आउट माना जाएगा। इस वजह से मेरी बॉल को आज किसी ने कैच नहीं किया और वो 150 रन बना। मैंने आज बहुत सारी चीजें सीखी है दोस्तों, सीखते रहिएगा, एंजॉय करते रहिएगा, पैसे कमाते रहिएगा, लेकिन पैसे परेशान होके नहीं कमाइएगा, खुश होके कमाइएगा, सीखते रहिएगा, प्रेशर में नहीं, दिल से सीखिएगा, और बड़ा मजा आएगा आपको। स्लीपेस वेलनेस वो समुंदर है, और समुंदर नहीं अथाह समुंदर है। और मैं पिछले एक बैच में रितेश चौधरी जी का बैच था जी, तो जब उस बैच में मैं गया तो केक लगाया हुआ था खान साहब, कुणाल सर उसमें केक लगा हुआ था, शायद आपको पता नहीं है, मैं आपको बताऊं, तो उन्होंने क्या किया, 1 और 6 लगा रखा, जैसे किसी के बर्थडे पे लगाते ना, तो मैंने अचानक पहले 1 6 देखा और वैसे होता यार ये क्या है, फिर उन्होंने बोला से 16वां रैंक है, और उस रैंक को वो 16 को देख के मेरे दिमाग में आया, मतलब थोड़ी ऐसी फील आई थी, अभी तो मैं 16 साल का हुआ हूँ ठीक से बॉलिंग भी नहीं हुआ, और स्लीपेस वेलनेस में आदमी बॉलिंग तब होता है जब वो 18 साल का हो जाता है, तो अभी 2 साल बाकी भी है बॉलिंग होने में, और 2 रैंक भी बाकी है, जैसे इन 2 रैंक को कर लेंगे तब हम भी 18 साल के हो जाएंगे, क्या बात, फिर भी हमारा अधिकार हमारे पास तो अभी हमारे पास कोई अधिकार नहीं है, और हम लोग अभी तक कोई काम इतना बड़ा मैं नहीं कर पाया हूँ। क्यों नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि अभी तक जो 18 रैंक थे ये कंपनी के दिए हुए रैंक, और कंपनी ने जो टास्क हमें दिया था उसको हम पूरा करने लग रहे हैं। हमारा काम तो उस दिन शुरू होगा जिस दिन कंपनी के दिए हुए 18 रैंक पूरे हो जाएंगे, और कंपनी हमारे को आगे रैंक देने के लिए कोई नया रैंक ओपन करेगी, उस दिन हम मानेंगे कि अब हमने कोई काम किया। दोस्तों आज इतना ही कहना चाहूंगा आपके साथ के लिए, आपके प्यार के लिए, इतने सम्मान के लिए, इतने आशीर्वाद आप लोगों ने दिया उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और मैं ये कह सकता हूँ कि पैसा आना जाना सब कुछ चलता रहेगा, जिंदगी में बस एक ही चीज आपसे चाहिए, आपका प्यार और साथ यूं ही चाहिए, बाकी तो सब कुछ फर्स्ट क्लास है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।